ये देखो यार, आज हम लोग बात करेंगे। हमने ये बताओ, हमने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ मास एक्शन ये सब पढ़ लिए थे क्या? हम लोग केपीपीसी यस सर, ये सब पढ़ लिए थे यार, पढ़ लिए थे। कुछ नया पढ़ते हैं, नया पढ़ते हैं। नया में क्या है हमारे पास आज? आज आज का हमारा नया चीज है डिसोसिएशन। सबसे पहले होता है डिसोसिएशन, मतलब होता क्या है? डिसोसिएशन मतलब होता क्या है? सर कोई एक चीज हो उसका फैलाव हो रहा हो। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब ये जानते हो क्या टूटना होता है? टूटना, कोई यस चीज सर, टूट जाता है इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ डिसोसिएट हो रहा है। तो हम केमिस्ट्री में कैसे डिसोसिएशन समझेंगे? जैसे मानो मानो देखो, हम लोग डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं। मान लो कि देखो, डिसोसिएशन हम कैसे निकालते हैं? डिसोसिएशन कुछ ऐसे निकालते हैं क्या है? मानो कि 100 रुपए है मेरे पास, और इसमें से मैंने 70 रुपए आपको दे दिए, तो कितना डिसोसिएट हो गया ये बताओ? सर माइनस कर देंगे, 30 बचेंगे। बचने की बात नहीं, डिसोसिएट कितना हुआ? 30 का, अरे यार, 70 का सर, सत्तर जितना का जितना सत्तर टूटता है उतना ही तो डिसोसिएशन होता है ना। हाँ, इतना डिसोसिएट हो गया, तो ये 70 हमारा डिसोसिएट हो गया। बोलो, यस सर, यस यानी कि सर, 100 में से 70 डिसोसिएट हो गया। लेकिन जब हम डिसोसिएट, यानी कि ये तो हो गया डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब समझ गए? अगर मानो मेरे पास 500 है और 130 टूट यस सर, गया, खर्च कितने हुए? हाँ डिसोसिएशन वही मतलब कि यूज कितना हुआ, समझ गए क्या? मानो 500 में से मैंने 130 हटा दिया, तो डिसोसिएशन कितना हुआ? 130 हुआ, समझ गए? अब देखो, अब एक वर्ड आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किसी को पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना, वो एक मतलब एक से रिलेटेड होता है, यानी कि वो उसका जो वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच होता है। जैसे मानो मानो कि 100 में से कितना टूटा, 100 में से 30 टूटा, यानी कि डिसोसिएशन कितना हुआ? 30 हुआ। तो आप बताओ एक में से कितना टूटा? जैसे मानो मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में मैंने 30 रुपए दिया, लेकिन अगर मेरे पास 1 रुपए होते तो मैं कितना रुपए देता, ये बताओ? 1/30। जीरो। अरे यार, अगर मानो मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैंने आपको 30 रुपए दे दिया, मेरे पास 50 रुपए होते तो मैं आपको 15 रुपए देता, अब मेरे पास 1 रुपए है तो मैं आपको कितना रुपया दूंगा, ये बताओ पहले। अरे 50 पैसे। यार, 30 पैसे, 0.3 पैसे, नहीं समझे क्या? यार, नहीं अगर मेरे समझे। पास 100 रुपए हैं तो मैंने आपको 30 रुपए दिया, यानी कि 30 रुपए क्या हुआ? डिसोसिएट हुआ। बोलो, डिसोसिएट यस हुआ। सर, अगर 70 रुपये बचेंगे मेरे ना। पास 50 रुपए होंगे, मैं कितना रुपया दूंगा आपको? 100 रुपए थे तो 30 रुपए दिया, मानो 100 रुपए थे, पापा ने आपको 30 रुपए दिया, अगर उनके पास 50 रुपए होते तो आपको 15 रुपए देते, यस नहीं सर, यार, समझ गए? कोई समझ रहा है कि नहीं यार? जब पैसे आधे इस होंगे तो ये भी तो आधा होगा ना। बार यस सर, यस सर, यस सर, यस अगर सर, अगर अगर 1 रुपया होता तब कितने रुपए इसमें क्या देते, ये बताओ। देंगे? 0.5 सर, अरे भाई, 0.3, जीरो पॉइंट थ्री नहीं समझे? जरूरी है 0.3 देंगे। अरे भाई, अपने 100 रुपए का 30 हिस्सा तुमको दे दिया, 100 रुपए का 50 करो, फिर समझ में आएगा। आधा करो उसका। ठीक है, मैं 50 कर देता हूँ। आपके पापा ने 100 रुपए थे, 50 रुपए आपको दे दिए, अगर उनके पास 50 रुपए होते तो आपको 25 रुपए 25। देते, बोलो। यस अगर सर, उनके पास 10 रुपए होते तो आपको 2.5 रुपए देते, लेकिन अगर उनके पास 1 रुपए होते ना तो आपको 0.25 रुपए देते, नहीं समझे? समझ गए। अब समझ समझ गए। गए? तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना, देखो पहले ये तो हो गया डिसोसिएशन, 100 रुपए से मैंने 50 रुपए दिए, लेकिन जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना, डिग्री वो हमेशा एक से कैलकुलेट करते हैं कि 1 रुपए में कितना रुपया उन्होंने दिया। मानो कि 100 रुपया था तो 50 रुपए दे दिए, लेकिन 1 रुपया होता तब कितना रुपया देते, तो हमेशा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे कैलकुलेशन करते हैं? एक से कैलकुलेशन करते हैं। तो जो इसकी वैल्यू हमेशा आती है ना, वो 0 से 1 के बीच आती है। कंफ्यूजन क्या किसी को? नो सर, नो सर, सब सबको पता चल गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे होगा। अब देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालोगे कैसे, ध्यान दो। मानो मानो आपके पास 100 रुपए थे तो 70 रुपए डिसोसिएट हो गया, यानी 70 रुपए दे दिए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे? 70 बाई 100 कर दो, कितना आएगा? 0.7 आ जाएगा, समझ गए क्या? समझ यस सर, गए? अगर यस मानो सर, आपके पास यस सर, आपके आपके पास 250 रुपए थे, उसमें से 100 टूट गए, 100 टूट गए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे? 100 बाई 250, कितने आएंगे? जो भी आएंगे वही हमारा आंसर होगा, समझ गए क्या? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर, नो सर, यस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना, उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। उसको क्या लिखते हैं? अल्फा, अल्फा।
यानी कि मानो मानो क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास 100 रुपए हैं और कितने डिसोसिएट हो गए, 70 डिसोसिएट हो गए, तो डिसोसिएशन क्या होगा, जो डिसोसिएशन होगा वो कितना होगा, 70/100 होगा, ऐसे होगा ना। लेकिन अगर कोई पूछे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज निकाल लो, तो मैं क्या लिखूंगा, 70/100 × 700, 100, यानी कि कितने परसेंट आ गए, 70% आ गए क्या, बोलो, 100%, सत्तर यस परसेंट आप लोग परसेंटेज कैसे निकाल। सर। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने हाई स्कूल में 600 पाए थे, 600 मार्क्स ओवरऑल था, उसमें से मुझे जो मिला था 510 मिला था, इसका मतलब मेरा 510 डिसोसिएट हुआ। सर डिवाइड कर दिया सर इनको इसमें हाँ, से। 510 को मैंने 600 से डिवाइड कर दिया, और ये क्या मिल गया, मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया, समझ रहे हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग क्या कर दिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करके 100 से मल्टीप्लाई करके, तो मैं जितना भी पाया 85% पाया था, समझ रहे हो क्या, बोलो यार, यस सर। कंफ्यूजन क्या किसी को। नो सर। तो आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लोगे क्या, यस सर। निकाल लोगे। ऐसे ही हमारे पास कुछ केमिस्ट्री में आते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ध्यान देना। मानो हमारे पास क्या कुछ ऐसे CaCO3, ये किसमें, ये मानो आगे जा रहा है किसके साथ जा रहा है, CaO+CO2 के साथ जा रहा है। मानो कि ये 10 मोल है, 10 मोल है, और ये जाहिर सी बात है यार, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में जब कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो केवल रिएक्टेंट हमारे पास था, तो प्रोडक्ट उस टाइम कितने होंगे, जीरो 0 होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन कुछ टाइम जाने के बाद ये टूटेगा ना, बोलो, जाहिर सी बात है टूटेगा। मान लो कि 5 मोल टूट गया, 5 मोल टूट गया, तो 10 - 5, बोलो, कोई कंफ्यूजन क्या, कोई नो कंफ्यूजन सर। नहीं। तो इसके पास बचा कितना, देखो मैं मान लो 6 मोल टूट गया, 6 मोल टूट गया, 6 मोल टूट गया, तो इसके पास बचा कितना, ये बताओ, 4 चार बचा, और ये कितना बना, 6 बना, और ये भी 6 बना, कोई प्रॉब्लम क्या। तो आप इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे, ध्यान दो, इसके पास कितना टूटा ये बताओ, छह, सिक्स और इसके पास था कितना था ये पहले बताओ, 10 10 था, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, 0.6 होगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसको हम परसेंटेज में लिखे तो 60% लिख सकते हैं क्या, हम ऐसे बोल सकते हैं कि 60% टूट गया, समझ गए, हम क्या बोल सकते हैं। हाँ बताओ, देखो बताना दोबारा से CaCO3 से। देखो देखो मैं दूसरा ले लेता हूँ। मानो मेरे पास क्या है, कुछ ऐसे है, HI है, मैं फिर से वही लिखता हूँ। मानो मेरे पास क्या है, CaCO3 है, इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, CaO और CO2 के साथ है, समझ गए। ये स्टार्टिंग में मानो कितना रुपए था, ये 100 मोल था, समझ गए, 100 मोल, कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ सर गए। तो स्टार्टिंग में ये कितना होगा, 0 होगा, और ये भी 0 होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। नहीं। तो जाहिर सी बात है ये कुछ, देखो मैं ये वाला बताया था कि आप लोग को ए और बी वाला, ये 50 था, ये 0 था, और जब ये 30 हुआ तो ये 20 होगा, बोलो, सर। ठीक है ठीक है। तो ये जब मानो 30 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 70 इसके इसमें से टूटा, तभी तो ये 30 हुआ ना, बोलो, ये 20, ये 30 कब हुआ, जब 20 इसके में से टूटा, नहीं समझ रहे हो। अरे यार कंफ्यूजन किसी को, नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं, इसका मतलब 70 टूटा, तो ये 70 बना होगा, तभी तो 70 70 बनेंगे ना, अभी भी कंफ्यूजन किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये बताओ डिसोसिएट कितना हुआ, पहले ये बताओ, डिसोसिएट 70 70 का टोटल था किसके, उतना उसके पास था कितना, सौ 100। सौ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे निकालोगे, आगे निकल गया क्या, ये अल्फा बराबर 70/70 डिवाइड मल्टीप्लाई करो, सौ यानी 0.7। अगर कोई बोल दे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म आप परसेंटेज निकाल दो, आप क्या कर लोगे, 0.7 को सत्तर डिवाइड कर दोगे 100 से, आएगा 100 से 70%, 70%। यानी कि यस 70% डिसोसिएट हो गया। कंफ्यूजन किसी को, सर। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन। एक और देखो, जैसे मानो मेरे पास क्या है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, जैसे देखो 2HI गिव्स, इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, ये H2 और I2 के साथ इक्विलिब्रियम में, I2 के साथ इक्विलिब्रियम में। मान लो ये डिसोसिएशन हम हमेशा किसके टर्म में निकालते हैं, एक के टर्म में निकालते हैं क्या, मैंने बोला था क्या एक के टर्म में, बोलो यार, सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं ना 0 से 1 के। वही वही, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही है यार, ये अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही है,
अल्फा हम लोग हमेशा एक के टर्म में निकालते हैं क्या? जैसे मैंने बोला था कि मानो 100 रुपए है तो 70 रुपया गया, तो 1 रुपए में कितना रुपया टूटा? ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक के टर्म में भी तो निकाला ना, बोलो यस यार। सर, यस एक सर, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा एक के टर्म में निकालते हैं क्या? यस सर, वह बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है, या फिर मैं डायरेक्टली ये बता रहा हूँ आप लोग को डायरेक्टली, ये जैसे मानो ये एक्स मोल है, उस टाइम ये क्या था? 0 होगा, ये भी 0 होगा। कंफ्यूजन किसी को? कंफ्यूजन। नो सर, तो जाहिर सी बात है इसमें से कुछ ना कुछ टूटेगा, मानो एक्स में से कुछ टूट गया, समझो वाई टूट गया, तो ये क्या बनेगा? कुछ ना कुछ बनेगा वाई, और वाई बनेगा जितना टूटा उतना ही तो यस बनाना, बोलो जितना टूटा उतना ही सर, तो बनाना। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग धीरे धीरे समझ रहे हो, तो एक्स बार समझ, वाई। हाँ समझ गए, यही बनेगा। एक और चीज देखो, एक और चीज, एक और चीज देखो, यही सर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आप लोग मतलब समझ गए क्या होता है? क्लियरली यस समझ सर, गए, यस सर, हमेशा ऐसा ही करना, हमेशा ऐसा ही करना। आगे देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरीज फ्रॉम 0 to 1, हमेशा उसकी वैल्यू किसके किसके बीच आएगी? 0 से 1 के बीच जीरो आएगा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन हो ही सकता है यार, जब हम लोग ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं तो। टू डिग्री ऑफ यस डिसोसिएशन हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता यार, कोई यूनिट नहीं होता। सर, हाँ अल्फा बराबर 0 इसका मतलब कोई डिसोसिएशन ही नहीं हुआ, नॉट सो अगर अल्फा बराबर 1 इसका मतलब सबका सब टूट गया। मैं एग्जाम्पल बताऊं क्या? एग्जाम्पल, या फिर आप लोग यस समझ रहे हो? बताओ, यस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मानो, जैसे मानो पापा के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं, और आपको कितने दिए? 0। तो डिसोसिएट कितना हुआ? सर, कहाँ हुआ, कुछ भी तो नहीं नहीं हुआ। हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा और 100 लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्या? यस सर, यानी कि जब कुछ अल्फा अल्फा 0 होगा, इसका मतलब क्या? नो डिसोसिएशन, कोई डिसोसिएशन नहीं है, दिख रहा है क्या? भी नहीं यस टूटा। सर, कुछ भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं टूटा। लेकिन लेकिन अगर मानो पापा के पास 100 रुपए हैं और हमें 100 ही दे दिए, इसका मतलब तो हमारे डिसोसिएशन भी कितना मर हुआ? जाएंगे। डिसोसिएशन कितना हुआ? 100 हुआ। तो मैं 100 by 100 लिखूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? 1 हो जाएगा क्या? तो यस सर, समझ गए क्या? ये हंड्रेड यस परसेंट सर, डिसोसिएशन होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई नो सर, प्रॉब्लम, नो कोई सर, प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यार, अब आते हैं ली चैटलियट प्रिंसिपल। कितने लोगों ने नाम सुना है इसके पहले? तो सर मैंने सर आप लोग कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने, ये बताओ, सर केमिस्ट्री में ही, मतलब कहाँ? स्कूल फिजिक्स में, स्कूल में, कोचिंग्स में, या यस फिर सर, स्कूल में पढ़ा है स्कूल में? सर, क्या होता है आप लोग बताओ यार, क्या होता है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? किसका किसका नाम मतलब सुना है जो मैम ने बताया था वो नहीं पता क्या? सर, किसका मतलब ली चैटलियर, क्या पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो सर, कितने, हाँ कितने लोग पढ़ चुके हैं? रितिका आप बताओ। अच्छा आपने भी पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, आज हम भी पढ़ेंगे यार, ली चैटलियर ही पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। ली चैटलियर अच्छा टॉपिक यार, पता है केमिस्ट्री में जो ये जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है, सबसे ज्यादा टॉपिक यहीं से पूछा जाता है, यहीं से पूछा जाता है। आओ देखते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल देखो, पता है क्या? जैसे मानो मैं ऐसे हिल रहा हूं, ऐसे हिल रहा हूं, इसका मतलब क्या? मैं इक्विलिब्रियम में हूं क्या? बोलो। यस सर, हो अगर मानो मुझे कोई इधर से धक्का दे दिया, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, फिर भी ऐसे हिलूंगा, बोलो सर। यस सर, हो यानी कि देखो, पहले तो मैं डगमगाऊंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा, लेकिन फिर क्या करूंगा? हिलना ऐसे स्टार्ट करूंगा, बोलो। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर, यानी कि फिर मैंने, किसी ने धक्का मारा, लेकिन फिर मैंने संभल गया, फिर ऐसे अपने आप को इक्विलिब्रियम में ला लिया। लेकिन मानो अगर कोई मुझे इधर से धक्का मारता है, तो मैं इधर आ जाऊंगा और थोड़ा अपने आप को संभालूंगा, फिर क्या करूंगा? ऐसे मूवमेंट स्टार्ट करूंगा। कोई प्रॉब्लम क्या? तो नो पता है क्या होता है, सर, मानो मानो कोई भी चीज इक्विलिब्रियम होता है, मानो ए और बी में इक्विलिब्रियम होता है ना, ए और बी इक्विलिब्रियम है। हाँ बताओ यार, कौन हैंड रेज कर रहा है, बताओ। सर हाँ किसी ने हैंड रेज किया। देखो मानो ए और बी इक्विलिब्रियम में है ना, तो मैं क्या बोला था कि मानो ये आधे घंटे बाद इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। कितने घंटे बाद? आधे घंटे आधे बाद मतलब 30 मिनट बाद इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। तो मानो क्या होता है ना, इनको जाके डिस्टर्ब कर दो। हम डिस्टर्ब कैसे करेंगे? कि मानो आराम से इक्विलिब्रियम में बैठे हुए हैं, मैं इसमें कुछ ऐड कर दिया, कुछ डाल दिया, या फिर हमने रिएक्टेंट ही डाल दिया एक्स्ट्रा, या फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है मैंने बाहर से खरीद के लाया डाल दिया,
जाहिर सी बात है यार, जो इक्विलिब्रियम आधे घंटे में एकदम आराम से रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, जाहिर सी बात है इनका इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे देखो हमारे पास क्या है, वही मॉल है, मॉल में 100 लोग हैं और 10 लोग हमेशा आ रहे हैं और 10 लोग हमेशा जा रहे हैं, ये बताओ ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? है। यस सर लेकिन है अचानक से 50 लोगों को इसमें डाल दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। सर, फिर इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा ना फिर। अरे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? हाँ यस फिर पता है क्या, कि पता है क्या होगा कि उस टाइम फिर से संभालेगा अपने आप को, फिर 15 15 लोग निकलेंगे यहाँ से, फिर धीरे से जब ये 100 पे आएगा ना, या फिर इक्विलिब्रियम फिर से बनेगा ना, फिर उस टाइम क्या हो जाएंगे, 20 लोग आएंगे कॉन्टिन्यूअस और 20 लोग जाएंगे कॉन्टिन्यूअस, मतलब इक्विलिब्रियम फिर से अपने आप को बना लेगा, संभाल लेगा अपने आप को, कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे ही होता है कुछ ली चैटलियर प्रिंसिपल। यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं यहीं पे इसका डेफिनेशन लिखता हूँ कि जब कोई भी चीज इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देता ना, कोई भी चीज आके, तो फिर से वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम को लाता है, अपने आप को मैनेज करता है। हाँ यार, हैंड रेज क्यों कर रहे हो यार आप लोग, बता नहीं रहे हो किस लिए हैंड रेज कर रहे हो। तो अपने आप को फिर से मैनेज करता हो। देखो, इफ इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू अ सिस्टम, इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू अ सिस्टम, अप्लाइड टू अ सिस्टम सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन, देन इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड, विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन इन विच इट कैन मिनिमाइज द इफेक्ट, इन विच इट कैन मिनिमाइज द इफेक्ट, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। देखो, अगर हम इसमें कुछ भी चेंज करते हैं ना, तो ये अपने आप को मिनिमाइज कर लेता है। जैसे मानो, मानो क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं, आपके घर कितनी आती है पैसे, बताओ, ये जोड़ के बताओ कितना है, 50,000, बोलो, 50,000। 50,000, और खर्चे कितने होते हैं ये भी बताना, 20,000 नहीं 50 ही बोल लो यार, ठीक है क्या, बचेगा बोलो, क्या? कुछ यस भी, कुछ सर, नहीं बचेगा, 50 ही हो यानी जाएंगे, कि आधे आधे। 50 आया और 50 चला गया, ठीक है क्या। मानो कि किसी महीने की, मानो क्या, आपने काफी ज्यादा टाइम काम कर लिया तो आपकी सैलरी कितनी हो गई, 70 हो गई, बढ़ गए, उत्तर बढ़ गई, तो आपके खर्चे क्या रुके रहेंगे, नहीं तो सर बस वो ज्यादा भी बढ़ होते जाएंगे। जाएंगे, आपके शौक बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे, सारे बोलो, आपके यस सारे खत्म सर, कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब इस टाइम इक्विलिब्रियम में था और इस पे कोई इफेक्ट आया, यानी कि जब पैसे बढ़े, ये भी फिर अपने आप को चेंज कर लिया, बोलो, अपने आप को फिर से चेंज कर लिया वो। यस अगर सर, मानो कभी लॉकडाउन लग जाए, तो मानो ये कितना हो गया, कंपनी ने पैसे कम कर दिए, समझो इतना कर दिया इसने, तो जाहिर सी बात है फिर आप अपने शौक कम करोगे। खर्चे कम यस होंगे। सर, हाँ, शौक अपने कम करोगे, यानी फिर अपने आपको, आपको क्या करोगे, फिर आप अपने आप को चेंज करोगे, उस माहौल में ढालोगे। तो जब जब कोई, जैसे ऐसे कुछ इक्विलिब्रियम के साथ होता है, जब जब इस पे कोई प्रॉब्लम आती है ना, कुछ बाहर से छेड़छाड़ करते हैं ना, तो ये अपने आप को शिफ्ट कर लेता है और उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है ना, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, मीनिंग प्रॉब्लम ना हो। मैंने डिफिनेशन क्या लिखवाया, ये उधर शिफ्ट करता है ना, कि जिधर ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना पड़े, ये दिख रहा है क्या। अगर पैसे कम आए तो आप थोड़ा सा लोअर बैकग्राउंड में आ जाएंगे, लेकिन पैसे ज्यादा हो तो आपके शौक वगैरह हर एक चीज बढ़ जाएंगे। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ, नो सर, नो नो सर, सर, पैसों वाला गेम समझ आ गया ना, यस सर, पैसों वाला गेम समझ आ गया। देखो ऐसे ही हमारे पास, अब देखो, अब हम आते हैं रियल में, रियल में आते हैं। जैसे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है। मानो कोई भी दो चीज इक्विलिब्रियम में है, हमारे पास रिएक्टेंट है, किससे इक्विलिब्रियम में, प्रोडक्ट से इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। आप बताओ, अगर मैं इसमें, इस इक्विलिब्रियम में अगर हम रिएक्ट, जैसे मानो हमारे डब्बा में रिएक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम है,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम है, अगर मैं बाहर से रिएक्टेंट इसमें और मिला दूं ना, इसका मतलब हमारा रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएगा सर। और जब रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएगा ये पता है किधर शिफ्ट करेगा, प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, ज्यादा हो जाएगा फिर प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, प्रोडक्ट की तरफ। इसका मतलब क्या, रिएक्टेंट ज्यादा तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख सकते हैं क्या? यस सर, यस सर, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम क्या सर? फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया सर, यानी कि अगर पैसा ज्यादा हुआ तो आप अमीरी की तरफ शिफ्ट हो गए, बोलो कोई प्रॉब्लम क्या? सर अगर प्रोडक्ट में डाले तो फिर रिएक्टेंट में जाएगा बैटर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिख भी देता हूँ, अगर हम प्रोडक्ट इसमें मिला दिए, प्रोडक्ट मिला दिए, इसका मतलब प्रोडक्ट बढ़ गया, और जब प्रोडक्ट बढ़ जाएगा तो किधर जाएगा? बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर, नो सर, बैकवर्ड। ये सबको समझ आया क्या? बैकवर्ड हाँ जी सर, डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप लोग को पता था क्या पहले से, बताओ? नो सर, नहीं पता था। जैसे मानो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू एन एच थ्री। और एक बात याद रखना, ये केवल गैसियस मॉलिक्यूल के लिए होता है, केवल गैस के लिए। अगर कोई सॉलिड आ जाए, मान लो ये सॉलिड हो गया ना, तो सॉलिड में आप कुछ भी मिला लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। केवल किस में चेंजिंग होगी, अगर गैस में उल्टा सीधा कर रहे हो तभी, सॉलिड वगैरह में नहीं होगा। मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है, अगर मैं इसमें एन टू मिला दिया तो आप बताओ किधर जाएगा, ये फॉरवर्ड में या बैक? फॉरवर्ड में जाएगा। समझ आ रहा है कि आप लोग को? यस सर। अगर हम इसमें सर मुझे एक और पूछना। हाँ हाँ पूछो पूछो सर, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में गैसीय स्टेट होना चाहिए ना? नहीं, स्टेट कोई भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम केवल गैस को मिलाएंगे या फिर निकालेंगे तभी इसमें चेंजिंग आएगा। अगर मानो ये सॉलिड है और मैंने N2 मिला दिया, तो आप बताओ ये किधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम लिख देंगे सीधा नो इफेक्ट। सर लिक्विड हम आयनिक में पढ़ेंगे, लिक्विड में भी आता है चेंजिंग, लेकिन अभी हम इस टाइम केवल गैसियस का पढ़ेंगे, लिक्विड वाला गेम हम आयनिक में पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। अगर मानो मैंने इसमें NH2 NH3 बढ़ा दिया, तब किधर जाएगा रिएक्शन? बैकवर्ड जाएगा फिर। बैकवर्ड जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? नो सर, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, क्या है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम? आप बताओ हमको बॉयल्स क्या बता के गए थे, कि प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रेशर घटाओ तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। देखो तो हम पता है हम इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इसमें कौन सा इफेक्ट भी है, प्रेशर वाला भी इफेक्ट है, समझ रहे हो भाई? अगर हम वॉल्यूम का नाम ले रहे हैं तो जहां जहां वॉल्यूम घटाएंगे मान लेना हम वहां वहां प्रेशर बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो गेम क्या चल रहा है? Yes, समझ रहे हो? अगर देखो, अगर मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मेरे पास कुछ ऐसे है, यहाँ पे बीच में हल्का सा मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे बीच में मैं हल्का सा इरेज कर देता हूँ, कुछ ऐसे है मेरे पास तीन, और यहाँ पे थोड़ा सा गैस है और यहाँ पे ज्यादा गैस है। आप बताओ अगर मैं प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस कहाँ से कहाँ जाएंगे, ए है और ये बी है, बताना सर। हाई से लो जाएगी। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दिया तो जो ये गैस है कहाँ से कहाँ जाएगा, ए से बी में जाएगा फिर बी से ए में जाएगा? बी से ए में जाएगा। सर बैकवर्ड, 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 यानी कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, बी से ए में जाएगा, बी से ए में जाएगा, समझ रहे हो क्या? अगर हम वॉल्यूम कम कर दिए तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ए से बी। अरे यार सर, ए से मतलब तो वही हुआ ना, प्रेशर बढ़ाओ सर, तब भी वही होगा, बी से। दोनों मतलब एक ही है यार, या फिर प्रेशर बढ़ाओ या फिर वॉल्यूम कम करो, समझ गए? अगर आप बताओ जब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो आपने बोल दिया बी से ए, अगर मैं प्रेशर घटाऊंगा तो ए से बी, उल्टा बी नहीं सर, ए से बी। बोलो कंफ्यूजन क्या है इसमें किसी को? सर है, बताओ तुम्हारे। देखो सर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बी हो जाएगा। देखो मैं क्या बोला कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें का जो, मानो ये पानी है, पानी उछल के किस में आएगा, इसमें आएगा ना,
बोलो, यस सर आएगा। पानी उछल के इसमें आएगा, हमने प्रेशर बढ़ा दिया। अब प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? वॉल्यूम के। हम प्रेशर बढ़ाओ या फिर वॉल्यूम कम करो, बात तो एक ही हुआ ना, ये बताओ। यस सर। बात एक, अरे यार मैंने यहाँ पे क्या बोला, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा। यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम। वॉल्यूम कम हो रहा है। तो या फिर बोलो कि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं या फिर बोलो कि हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं, तो हम प्रेशर वाले से आपको समझा रहे हैं, वॉल्यूम वाला समझ जाना, नहीं समझे? अगर हमने प्रेशर इस पे बढ़ाया, चारों तरफ से ऐसे प्रेशर लगाया चारों तरफ से, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो उछल के इसमें आएगा ताकि बराबर हो जाए, आ जाएगा। तो जब प्रेशर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन इधर से इधर जाएगा क्या, बोलो? यस सर, बैकवर्ड मतलब जाएगा। मतलब कि जिधर पानी कम है उधर जाएगा, बोलो? जिधर पानी कम है उधर जाएगा, बोलो? कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 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 अगर मानो सेम चीज रहे, ऐसे सेम चीज रहे, दोनों में पानी बराबर है, दोनों में क्या है, पानी बराबर है, अब प्रेशर लगाओ कहाँ जाएगा? सर इक्वली रहेगा। इक्वल ही रहेगा। कंफ्यूजन क्या, किसी को कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या प्रेशर का? नो सर। नो इफेक्ट। जब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वॉल्यूम का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नो नहीं सर। पड़ेगा। इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका भी। ये बात आपको सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस क्लियर सर। है। तो आओ अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा क्या इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम है। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम है, उस पे हम आते हैं, उस पे हम आते हैं। ध्यान दो, ध्यान दो। हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान देना। हमारे पास कुछ कुछ केसेस बना लेते हैं हम। हमारे पास कुछ रिएक्शन है, देखो हमारे पास कुछ ऐसे H2+I2, ये इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, 2HI के साथ है। इसको मैं तीन कॉलम में बना ले रहा हूँ, ऐसे तीन कॉलम ऐसे बना लो। आप लोग को दिख रहा है क्या सब चीज? बिल्कुल यस सर, क्लियर है सर। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ऐसे तीन कॉलम में बना ले रहा हूँ, ऐसे मैं तीन कॉलम बना ले रहा हूं, दिख रहा है? अब देखो क्या हो रहा है, अब दूसरा रिएक्शन दिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है। आप बताओ इसमें सबको डेल्टा एनजी निकालना आता है क्या? यस सर। बोलो यार, सबको डेल्टा एनजी निकालना आता है। इसमें बताओ डेल्टा एनजी कितना है इस रिएक्शन में? सर इसमें डेल्टा जीरो होगा। जीरो होगा, जीरो होगा। अब बताओ, यानी कि हमारे पास अगर मैं ऐसे करूं, ये ऐसे बताऊं, तो जीरो होगा, यानी कि दोनों में बराबर है, दोनों यस साइड सर। बराबर है क्या? यस दोनों सर। साइड बराबर है। आप बताओ इस पे मैं प्रेशर लगाऊंगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो किधर की तरफ शिफ्ट होगा प्रेशर बढ़ाऊंगा तो? सर ये तो इक्वली रहेगा ना। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, समझ यस रहे सर। हो? अगर मैं वॉल्यूम घटाऊंगा या फिर बढ़ाऊंगा तो किधर जाएगा? तब नो भी इफेक्ट, नो इफेक्ट होगा। कोई प्रॉब्लम? जब डेल्टा एनजी नहीं जीरो आ जाएगा तो प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? सर। नहीं पड़ेगा, कोई नहीं, कुछ कुछ भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब ध्यान दो, एक और आ गया मेरे पास, एक आ गया मेरे पास, PCl5 इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, PCl3 और Cl2 के साथ इक्विलिब्रियम। ये देखना सब गैस है, सबके सब गैस है। अब बताओ, अब ध्यान दो, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, इसमें मोल ज्यादा है, प्रोडक्ट के साइड मोल ज्यादा है, बोलो? प्रोडक्ट के साइड मोल ज्यादा है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड क्या है, कम है। आप बताओ अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा तो किधर जाएगा रिएक्शन, बैकवर्ड सर। बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगा क्या? यस सर। यस यस सर। इसका मतलब क्या है, अगर अगर हमारे पास जो डेल्टा एनजी है, डेल्टा एनजी है, वो ग्रेटर देन क्या होगा, मतलब जो डेल्टा एनजी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर जो हमारा डेल्टा एन जी है ग्रेटर देन जीरो होगा, डेल्टा एन जी यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी प्रोडक्ट में कितने हैं, दो हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं, एक है, यानी यस ओवरऑल सर। कितना आएगा, एक आएगा। जब ग्रेटर देन जीरो होगा ना, तो अगर प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पे जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम मैं L दो बार लिख दिया हूँ, ध्यान देना, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा, उधर शिफ्ट होगा जिधर जिधर नंबर ऑफ मोल कम है। मोल कम है। कोई प्रॉब्लम क्या, ये बताओ? हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है, उधर शिफ्ट हो रहा है जिधर नंबर ऑफ मोल कम है। अगर वही प्रेशर घटा देता तो क्या होता?
फिर सर उल्टा हो जाता। उल्टा हो जाता, बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं प्रेशर ऐसे घटा देता तो क्या हो जाता, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता, जिधर नंबर ऑफ मोल कम है ज्यादा ज्यादा है, ज्यादा है, जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, नहीं समझे, ज्यादा है। तो ये तो हो गया प्रेशर का इफेक्ट, प्रेशर बढ़ाओ या फिर वॉल्यूम घटाओ, बात तो एक ही हुआ ना। देखो आप प्रेशर बढ़ाए हो तो किधर शिफ्ट हुआ है, जिधर नंबर ऑफ मोल कम है, या फिर वॉल्यूम कम कर तो भी वही उधर ही जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम होंगे। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, अगला एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे है। हमारे पास मान लो यहाँ पे हम ऐसे करते रहे, जैसे N2+3H2 इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, 2NH3 के साथ है, 2NH3 के साथ है। अब हम क्या कर रहे हैं इसका बताओ, जो डेल्टा एनजी होगा लेस देन जीरो होगा, यस सर होगा। लेस देन जीरो होगा, तो आप बताओ इसमें हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा भाई। प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसमें भी तो सेम ही बात है यार, उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम होंगे, नहीं समझे, फॉरवर्ड बिल्कुल फॉरवर्ड जाएगा। तो ये आप लोग को बताना है कि फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड बताएगा जाएगा। मैं बस आप लोग को इतना बताऊंगा कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल कम होंगे, नंबर ऑफ मोल कम होंगे, बोलो यार, यस सर। कंफर्म सबको। हाँ जी सर। अगर प्रेशर घटा दोगे तो सेम इसी का अपोजिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्या? आओ देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि नहीं है, कोई ना कोई तो क्वेश्चन होगा, छोड़ो या फिर अभी अभी क्वेश्चन देख लेंगे, छोड़ो या फिर अभी अभी देख लेंगे। अब देखो एक अगला केस आता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। आप बताओ कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट होता है क्या इक्विलिब्रियम पे? कोई नो सर, नहीं होता। इफेक्ट नहीं, तो मैं सीधा लिख दूं क्या, नो इफेक्ट, यस सर, लिख दो। कोई सीधा बात नहीं, लिख दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं। अगला देखो, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अब देखो इनर्ट गैस का क्या मतलब है, कोई बताएगा क्या? कोई भी बता दो इनर्ट गैस का क्या मतलब है। किसी रिएक्शन में गैस को ऐड करना। नहीं, इनर्ट गैस का ये मतलब है ना कि अगर मानो यहाँ पे पांच छह लोग बैठे हैं, इसमें एक और आ जाए और इस पांच छह लोगों से कोई मतलब ना रहे, तो बोलेंगे भाई वो इनर्ट है, इनर्ट है। मतलब मानो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, हमारे पास कोई एक रिएक्शन चल रही है, कोई ऐसे एक रिएक्शन चल रही है, और हम इसमें किसी तीसरे एलिमेंट को डाल दें, जैसे मानो इसको डाल दें, तो इस पे ना इसका कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क ही ना पड़े भाई, ये क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, चुपचाप बैठ के अंदर ही अंदर देख रहा है उसी डब्बे में, समझ गए क्या इनर्ट का क्या मतलब है, कोई यस रिएक्शन सर। मत करे उससे, उसको हम इनर्ट बोल देंगे। तो देखो क्या होता है, जनरली नोबल गैस को इनर्ट गैस बोलते हैं, लेकिन इनर्ट का मतलब वही हुआ कि कोई भी रिएक्शन चल रहा है ना वहां पे कोई डिस्टरबेंस मत करे, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर मानो कोई भी चीज इक्विलिब्रियम है, मानो ए के साथ बी में इक्विलिब्रियम है, अगर हम कोई इसमें इनर्ट गैस डाल देंगे तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, होगा, और किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा या फिर फॉरवर्ड जाएगा, ये आपको बताना है, समझ रहे हो। तो देखो सर इनर्ट दोबारा गैस, से बताओ। देखो मानो कोई इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, है, हम इसमें किसी इनर्ट गैस को डाल देंगे, जब इनर्ट गैस को डालेंगे तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बिंग होगी, रिएक्शन भले ही नहीं करेगा लेकिन डिस्टर्बिंग तो होगी ना, यस बोलो सर, हो यार, जाएगी। हो जाएगी। तो वो फर्क क्या कहीं भी या डालो, अरे उस डब्बे में ही डालो, हम किसी डब्बे में ही तो कराएंगे ना, हम ऊपर से डब्बे में डाल दे रहे हैं, समझ गए। हाँ तो ये बताओ कि ये इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा बिल्कुल करेगा, लेकिन रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा ये हमें बताना है, कि फॉरवर्ड जाएगा या फिर बैकवर्ड जाएगा, वो डायरेक्शन हमें बताना है, समझ रहे हो क्या चल रहा है गेम। सर, ऐसे देखो कैसे पता चल जाएगा? आप कह मैं रहे हो बता कि रहा इसमें जो इनर्ट गैस है वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। हूँ, रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन आप बताओ, देखो ध्यान दो, अब होता क्या है कि ये कैसे बताऊं आप लोग को, वो रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन यार जैसे मानो कि किसी की घर में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 0 रुपए कमाता है, 0 रुपए, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी उस घर में जगह तो घेर रहा है ना यार, यस एक सर। जगह तो घेर रहा है ना। अगर मानो उस कोई रिएक्शन ना 5 लीटर के डब्बे में हो रहा है, तुम बताओ उस डब्बे में हो तो कुछ नहीं रहा, लेकिन वो चला जाएगा तो एक जगह तो घेरेगा ना, एक यस सर। तो जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होगा यार, डिस्टर्ब होगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होगा।
अब देखो क्या करते हैं, तो जब इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, ये भी दो कंडीशन में होता है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा कौन से केस पे होता है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ध्यान देना। तो जब जब मानो कोई एक डब्बा है, इसका वॉल्यूम फिक्स हो गया है, अगर ये क्लोज कंटेनर है ना, जाहिर सी बात है वॉल्यूम का कोई भी एक चेंज नहीं होगा, यानी वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर क्लोज कंटेनर है ना, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, या फिर अगर लिख के दे दे क्लोज कंटेनर, या फिर लिख के दे दे कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। देखो एक चीज और, जब जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा ना, आप इनर्ट गैस को डाल लेना, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं करेगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो। इक्विलिब्रियम पे आप डाल दो इनर्ट गैस, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ गए क्या, पड़ेगा क्या, रिएक्शन पे तो पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इनर्ट गैस डाल लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। लेकिन जब बात, हाँ बताओ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट, अरे कांस्टेंट नहीं है तब तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जब वॉल्यूम कांस्टेंट तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात आई कांस्टेंट प्रेशर की, तो कांस्टेंट प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, मानो कोई हमारे पास रिएक्शन है, कुछ ऐसे रिएक्शन है H2+3H2+N2, किसके साथ इक्विलिब्रियम है, 2NH3 के साथ इक्विलिब्रियम है, मानो कांस्टेंट प्रेशर है, इसका मतलब क्या, मान लेते हैं स्टार्टिंग में इसका प्रेशर कितना है, 10 ATM है, अगर हम इसमें कोई एक इनर्ट गैस डाल लेते हैं, मान लो हीलियम ही डाल लेते हैं, तो ये बताओ इसमें हीलियम आ जाएगा क्या, 3H2+N2 gives 2NH3, हीलियम आ गया क्या इसमें, बोलो, कोई रिएक्शन तो करेगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग करेगा, तो आप बताओ प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब ये भी प्रेशर कांस्टेंट ही होगा, 10 ATM ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं, देखो कोई चेंजिंग नहीं होगी प्रेशर में, कंफ्यूजन क्या इसमें किसी को, सर पता कैसे चलेगा कि कांस्टेंट है ये, अरे लिख के देगा भाई, लिख के क्वेश्चन देगा। अच्छा ये देखो, ऊपर भी 10 ATM प्रेशर था और नीचे भी 10 ATM प्रेशर है, प्रेशर में कोई चेंजिंग आया क्या, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, पहले ये तीन लोग मिलके 10 ATM प्रेशर लगाते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब ये चार लोग हो गए हैं, चार लोग हो गए हैं, 10 ATM प्रेशर लगा रहे हैं, नहीं समझे, तो आप बताओ, आप बताओ, इन जो टोटल ये वाले जो तीन है, इनका अगर हम प्रेशर पहले कितना था, पहले 10 ATM था, लेकिन अब तीन मिला के 10 ATM लगा रहे हैं, यानी अब पहले ये तीन मिला के 10 ATM लगाते थे, अब चार मिला के 10 ATM लगा रहे हैं, यानी इन तीनों का प्रेशर क्या हुआ, डाउन हुआ कि नहीं हुआ, 10 से कम हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, कम हुआ, कम हुआ, तो आप बताओ जब प्रेशर कम होगा तो इक्विलिब्रियम किस किधर शिफ्ट होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल, फॉरवर्ड बैकवर्ड मत बोलो, जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो किधर जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, ज्यादा हो, बैकवर्ड होगा ना, अरे ये तो यहाँ की क्वेश्चन है, मैं तो बस ये एग्जांपल देके समझायो, आगे क्वेश्चन मेन आएगा, आओ देखते हैं क्वेश्चन करें क्या हम लोग, आओ क्वेश्चन करते हैं, ये छोड़ना, ये पढ़ लेना आप लोग यार, सबका सब यही मैंने आप लोग को बताया, सबका सब मैंने यही बताया है, सबका सब मैंने यही बताया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, सीधा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से सीधा समझ आ जाएगा आप लोग को। देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, इफ ए आर ये इज एडेड इन इक्विलिब्रियम, यानी कि ये क्या है, ये इनर्ट गैस है क्या, बोलो यार, इतर है, इनर्ट गैस है, N2+3H2 gives 2NH3 at a constant volume, then equilibrium will be constant volume पे equilibrium क्या होता है ये बताओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कौन सा no shift in any direction, यही वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, समझ गए क्या यार आप लोग, जी सर, इजी है ना, इजी यार, काफी इजी है, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं काफी ज्यादा, देखो argon is inert gas, on addition of inert gas at constant volume equilibrium will not shift in any direction, कोई problem किसी को, no sir, कोई problem नहीं, अगला देखो, ये तो आप लोग पढ़ लेना यार, कोई बड़ी बात नहीं है, अब देखो ये सब वही है, सब वही है, सब मैंने बता दिया, ये देखो, ये दिया हुआ है, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, हमारे पास क्या है, SOCl2 है, SO2Cl2, ये हमारे साथ इक्विलिब्रियम है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इन क्लोज कंटेनर एंड इनर्ट गैस हीलियम इज इंट्रोड्यूस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ध्यान देना, क्लोज कंटेनर दिया, इसका मतलब क्या हुआ,
प्रेशर हमारा जो है वो कांस्टेंट है। नहीं यार, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आप बताओ कौन सा आंसर सही होगा इसका? नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। बिल्कुल बिल्कुल, बी वाला सही होगा हमारा। देखो बी वाला सही दिया होगा, कोई प्रॉब्लम क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तीसरा क्वेश्चन देखो, N2 और 3H2 सम इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर इज एडेड। ध्यान देना, जब जब कांस्टेंट प्रेशर की बात आएगी ना, तब तब वो हो जाएगा। प्रेडिक्ट द विच विल बी अफेक्टेड। आप बताओ जब कांस्टेंट प्रेशर पे कोई चीज हम ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट होता है? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। बिल्कुल, नंबर ऑफ मोल किधर ज्यादा है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड? सर प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में ज्यादा। तो जब रिएक्टेंट में ज्यादा है तो जाहिर सी बात है बैकवर्ड जाएगा ये रिएक्शन। यस सर। जब बैकवर्ड जाएगा तो इसकी कमी हो जाएगी, लेस, ये कमी हो जाएगी। तो बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है क्या? एक मिनट, बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। अगर इसमें एक और तो देख सकता है कि N2 एंड 3H2 विल मोर फॉर्म, ऐसे भी दे सकता है ये। तो आप लोग समझ जाना, कंफ्यूजन क्या किसी को? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये देखो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो हमारे पास एक और रिएक्शन है, N2 है और 3H2 है, ऐसे कुछ बन रहा है और हीट दे रहा है। द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप बताओ ये इक्विलिब्रियम कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? सर सी है इसका आंसर, सी। सर जब प्रेशर डिक्रीज होगा। यार आप लोग नहीं समझ रहे हो, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है पहले ये बताओ। रिएक्शन आगे की तरफ जाए, और आगे की तरफ जाए मतलब ये ज्यादा बने। आप बताओ रिएक्टेंट में कितने मोल है, रिएक्टेंट में कितने मोल है? टोटल 4 है। और प्रोडक्ट में कितने मोल है? दो है। तो आप बताओ अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो 4 से 2 की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? सर फॉरवर्ड जाएगा। बिल्कुल, तो हमसे पूछ भी क्या रहा है, हमसे फॉरवर्ड ही पूछ रहा है। और किस में हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, कौन से वाले ऑप्शन में प्रेशर बढ़ा रहे हैं? सर डी, डी वाले में। आप लोग कंफ्यूज, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात थी क्या, ये बताओ सर। कोई भी कंफ्यूजन किस में बात थी पहले ये बताओ आप लोग। इजी था ना ये, थोड़ी सी सर। क्या 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 कंफ्यूजन थी बताओ, क्लियर कर दो यार अभी। सर ये प्रेशर डिक्रीज और इंक्रीज में थी क्या? अरे यार मैं आप लोग को इतना अच्छा ऐसे डब्बा बना के बता दिया, ये डब्बा वाला कोई बनाता भी नहीं है। कोई बनाता है क्या ये ऐसे डब्बा? नो सर, नहीं बनाता। तो ये बताओ, ये भी आप लोग को नहीं समझ आया कि अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो जाहिर सी बात है इधर से इधर कूद के जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएगा। देखो बैकवर्ड फॉरवर्ड की नहीं, हम ज्यादा से कम की तरफ, बोलो ऐसे बोलो। डायरेक्शन तो हम क्वेश्चन देख के बताएंगे कि किसमें ज्यादा मोल है किसमें कम मोल है। नहीं समझे सर, पानी ज्यादा है ना सर इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं, देखो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी ये सब पढ़ लेना आप लोग, पढ़ लोगे क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे पढ़ लें? पढ़ लेना। अब देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर द रिएक्शन CO H2O एंड CO2 एंड H2 गैस एट ए गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी इंक्रीज बाय। CO2 का अमाउंट कैसे इंक्रीज हो सकता है, आप बताओ, आप बताओ आंसर बताओ। सर जब इनर्ट गैस को ऐड कर देंगे। नो सर, नो सर, सर एक गैस को, यार मैंने आपको सबसे पहला बताया था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास कुछ आर ऐसे है, प्रोडक्ट है, अगर हम इसमें आर और ज्यादा मिला देंगे तो किधर शिफ्ट होगा? सर ये प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट है। तो आपको चौथा ऑप्शन कुछ दिख रहा है, ऑप्शन डी वाला कुछ दिख रहा है क्या? अगर हम सीओ के अमाउंट बढ़ा देंगे यानी रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा यानी कि CO2 का वैल्यू बढ़ा देगा। बोलो यस सर। ऐसे यार ये नीट के डायरेक्टली क्वेश्चन है, ऐसे बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप लोग से लग क्यों नहीं रहा है? सर वो समझ आया सर, ये आंसर देने में वो थोड़ा हो जाता है। अरे बहुत इजी इजी क्वेश्चन है यार, ये इजी नहीं है क्या, आप बताओ? सर इजी है आंसर पता है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो अ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है क्या? अब पूछ रहा है इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस्ड टू हाफ द ओरिजिनल वैल्यू देन।
आप बताओ प्रेशर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? प्रेशर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा ये बताओ। सर बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड की बात मत करो, हमने प्रेशर बढ़ाया तो ज्यादा से कम की नंबर ऑफ तरफ गए। फोर्स इंक्रीज, देखो हमने प्रेशर बढ़ाया तो ज्यादा से कम की तरफ गए, लेकिन प्रेशर घटाया तो किधर जाएगा? कम से ज्यादा की तरफ। यानी अगर हम प्रेशर क्या किया पहले से इसने आधा कर दिया तो रिएक्टेंट किधर शिफ्ट होगा? उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। तो सर इसका आंसर बी होना चाहिए ना फिर। बिल्कुल बी होगा, अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इधर देखो आप बताओ रिएक्टेंट में कितने मोल है, ये बताओ रिएक्टेंट में कितने मोल है? दो फाइव, तीन है, तीन है। आप इसको तो बिल्कुल भी काउंट मत करना क्योंकि ये क्या है सॉलिड वाला यार, काउंट करोगे तो पाप हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में कितने हैं? चार, सर पांच है, पांच है, पांच है सर, पांच है। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, लेकिन प्रेशर घटाओगे तो किधर जाएगा? कम से चलो ज्यादा की कम तरफ से कम जाएगा। जाएगा। तो कम कौन है, कम ये वाला है ज्यादा ये वाला है, यानी कम से ज्यादा की तरफ जाएगा यानी फॉरवर्ड जाएगा। और फॉरवर्ड जाएगा तो होगा सी और डी का अमाउंट क्या करेगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। बढ़ा देगा। यस सर, नहीं समझ यार, इतना इजी है ना ये, बहुत इजी है, पता नहीं क्यों आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से यहीं से आते हैं, वी चैट लियर प्रिंसिपल से, और इतने इजी वे में बताया हूँ, पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा है आपको। आप लोग कहीं यूट्यूब पे भी देखोगे ना, नहीं मिलेगा ऐसे आप लोग को, सर नहीं मिलेगा ये। और मैं बस 5 से 10 मिनट में आप लोग को बता दिया हूँ पूरा गेम। आगे देखते हैं, देखो और ये मैं ये वाला गेम, ये वाला केस आप लोग को नहीं बताया, फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन केपी एंड, देखो एक सीधा सा एक फॉर्मूला होता है लॉग के टू बाई के वन स्क्वायर डेल्टा एच बाई 0.3202.3031 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू। ये वांट हाफ इक्वेशन इसको बोलते हैं, कुछ एक ऐसा फॉर्मूला होता है। इसमें बोल रहा है एक जो थर्मिक रिएक्शन है और केपी डैश दिया है, के टू को क्या बोला है केपी दिया है, और के इसको क्या बोला है केपी डैश बोल दिया है। आर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर टी वन एंड टी टू, टेम्परेचर टी वन और टी टू भी दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट हीट ऑफ द रिएक्शन टू बी कॉन्स्टेंट है इन द टेम्परेचर रेंज गिवन। अब टी वन और टी टू पूछ रहा है, सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा क्या, ये बताओ। यस डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ये पूछ रहा है कि हीट ऑफ अ रिएक्शन बी कॉन्स्टेंट इन द टेम्परेचर रेंज बिटवीन टी वन एंड टी टू इज रेडली ऑब्जर्व डेट। ये आप लोग इक्वेशन नहीं पढ़े हो ना अभी, सर अभी नहीं पढ़े, फॉर्मूला इसको पढ़ा के बताऊंगा, वैसे आप लोग को समझ नहीं। किस चीज का है बताना एक बार। ये वांट ऑफ इक्वेशन है, अच्छा अभी पढ़ा नहीं है नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। सर, कब आएगा ये? ये इसी में आता है यार, लेकिन चलो ठीक है मैं बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है सर, या फिर आप लोग देख लेना थोड़ा सा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग एक बार देखना। देखो ये क्या बोल रहा है, कंसीडर अ बॉक्स इन विच CaCO3 इज इक्विलिब्रियम विथ CaO एंड CO2। देखो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है, अब ये पूछ रहा है, चार कंडीशन दिया हुआ, अगर CaCO3 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, CaO रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, और CO2 रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, और चौथा दिया इफ वी एड लिविंग रैबिट टू द चैम्बर विच ऑफ दीज विल अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। अगर हम चारों में से कौन इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा ये बताओ। पहला बताओ, अगर हम इसमें हमारे पास क्या है CaCO3 है सॉलिड है, इक्विलिब्रियम में क्या है परफेक्ट होगा। एस है और प्लस CO2 ये है गैस है। आप बताओ अगर हम इसमें CaCO3 डालेंगे तो इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट आएगा क्या? सर मगर ये तो सॉलिड है ना, तो सॉलिड को बिल्कुल नहीं यार, सर इसको इसको ये आप डालोगे या फिर निकालोगे कोई फर्क नहीं सर पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम क्या? अगर हम नो सर कैल्शियम ये वाला ऐड करें, ये वाला निकाल दें, तो बताओ कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नो सर, तब भी नहीं होगा क्योंकि तो ये भी सॉलिड है ना अगर CO2 करे सर, तो इसको इफेक्ट होगा पड़ेगा, ना। इफेक्ट पड़ेगा, ये इफेक्ट पड़ेगा, एक हमको मिल गया इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो इफ वी एड अ लिविंग रैबिट टू द चैम्बर विच ऑफ दीज विल अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, क्या चौथा पढ़ के आपको लग रहा है क्या इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? कर जाएगा सर, क्यों सर
सर वो जगह तो घेरेगा ही ना। सर देखो समझ, देखो देखो, अगर कोई लिविंग रैबिट डाल देते हैं ना, तो पता है क्या करते हैं वो लोग, क्या कौन सी गैस निकालते हैं? CO2 गैस निकालते हैं। जाहिर सी बात है, चैम्बर में पहले से CO2 मौजूद है और CO2 गैस ये भी निकालेगा, जाहिर सी बात है रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नहीं समझे? यानी तो चौथा वाला भी ऑप्शन हमारा क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट डालेगा। बोलो यस तो टोटल कितने दो ऑप्शन, टोटल कितने जो है जो कि इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट डाल रहे हैं? एक, है दो, चार, कितने हैं? वन केवल दो है, ऑफ समझ गए क्या? दीज कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई नो सर। प्रॉब्लम नहीं। देखो ऑप्शन बी इसके, देखो इसका इसका आप लोग पढ़ लेना, पढ़ लेना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ, पढ़ लेना। देखो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फोर वी हैव लिविंग रैबिट, देन इट विल एक्सहेल CO2 गैस, मींस पार्शियल सर फिस। जो आपने बताया वही है, क्या? बिल्कुल जो आपने बताया अभी वही है इसमें भी। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। देखो ये क्या दिया हुआ है, सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ NH4Cl इज टेकन इन अ चैम्बर। मानो कोई एक चैम्बर है, NH4Cl ले लिया गया इसमें। अब ये पूछ रहा है कुछ ऐसे रिएक्शन है, अब पूछ रहा है केपी दिया हुआ 4 atm, फाइंड द पार्शियल प्रेशर प्रेशर ऑफ ईच गैस। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं हम, केपी कैसे फिर ये निकालते तो वही प्रॉब्लम हैं? NH जो आपने और HCl कुछ ऐसे होगा क्या, डिवाइडेड बाई दोनों NH4Cl नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम जाएगा। वन हो जाएगा। अब देखो मान लेते हैं कि इन दोनों का ये केपी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बोलो कोई प्रॉब्लम? क्या, चार। यस सर नो मान लो इसका भी पी है, इसका भी पी है, दोनों का सेम मान लो, तो दो दो अगर हम मान लेंगे तो ये 4 हो जाएगा क्या अपने आप? यस यस सर सर कोई ऐसा, कोई एक ऐसा ऑप्शन दे रहा है क्या, 4:1 वाला कोई ऑप्शन दे रहा है क्या? कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो सीधी सी बात है कौन सा आंसर सही होगा, ए वाला सही होगा। अगर बी वाला आंसर सही होता तो केपी के लिए क्या होना पड़ता है, अगर बी वाला आंसर 16 होना एट पड़ता हाँ है, 16 16 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना ये, मल्टीप्लाई 16 हाँ होना पड़ता है, समझ गए ये लोग कैसे हो रहा है? टू होता तो बिल्कुल अंडर टू टू होता। बिल्कुल, ये देखो ऐसे कुछ दिया हुआ, कुछ दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम क्या इसमें किसी को? सर कोई प्रॉब्लम, बाकी सब कर लोगे क्या पढ़ के, या फिर नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना आप लोग कभी। ओके सर ये बताओ सबका सब इजी है फिर टफ है, पहले ये बताओ। सही है। सर आज का लेक्चर थोड़ा ऐसे ही किया था, ठीक ठाक। विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कौन सा ऐसा है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज कर सकता है? आप तो कितना सब पढ़ लिए, कंसंट्रेट वो ए ऑप्शन, कई ऑप्शन सही है। ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है मे बी। देखो ए तो सही है, बी नहीं सही है क्योंकि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, हाँ सी सर सी और सही डी का है, देता है, सही है, तीन सही है। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है ना। ठीक क्या? हाँ टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, है सर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का तो आपने देख ही लिया, प्रेशर बढ़ाओगे तो इधर उधर होगा। और कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर फर्स्ट पॉइंट बताने का फिर से। नहीं, एक चीज देखो, एक चीज देखो, एक चीज देखो, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि ये पता है क्या, ये चेंज नहीं होता है। अगर मानो कोई एक रिएक्शन है ना, मानो NH N2+3H2 और गिव्स NH3, कोई एक रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। जैसे मानो कि क्या होता है कि अगर मानो आपके पास ज्यादा पैसे आ गए तो आप अपने आप को ज्यादा ओवर समझने लगते हो, अगर कम पैसे आ गए तो डाउन कर लेते हो, यानी कि हाँ अपने आप को मैनेज कर लेते हो। ये भी अपने आप को मैनेज करके हमेशा केस ही लाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ये बताओ अगर अगर चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करोगे तो जाहिर सी बात है वो रिएक्टेंट किधर जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड थोड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं ना कहीं जाएगा ना, बोलो। सर हाँ इफेक्ट पड़ेगा उस पे। इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, जब इफेक्ट पड़ेगा ना तो ये ओवरऑल केसी और जो KF होता है और KB, इन दोनों में इफेक्ट पड़ेगा, दोनों में इफेक्ट पड़ेगा ना, तो इसके में कोई चेंजिंग नहीं आती है, इसके यस में कोई चेंजिंग नहीं आती है। और इसका देखो तो जो रिएक्टेंट इससे होता है ना, कंसेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं आता, जो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, इसके पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन तो चेंज कर देता है लेकिन इसके पे क्या पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट तो आप जानते ही हो, प्रेशर से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर मानो इस रिएक्शन के लिए मैं बोल दूं 50 है, तो आप केसी अगर मैं इस रिएक्शन के लिए बोल दूं 50 है, तो आप ना इसमें चाहे कुछ भी N2 मिला लो या फिर ये मिला लो, जाएगा रिएक्शन आगे पीछे चला जाएगा,
फॉरवर्ड बैकवर्ड चला जाएगा, लेकिन ये केसी का वैल्यू क्या रहेगा, 50 का 50 रहेगा, एटलीस्ट है, इसीलिए कॉन्स्टेंट है। प्रेशर आप घटा लो बढ़ा लो, ये इधर से इधर चला जाएगा, लेकिन ये केसी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। हमेशा किस पे डिपेंड करता है, एक बात याद रखना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कोई प्रॉब्लम क्या, अगर टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तभी जाके ये केसी की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। नहीं समझे आप लोग, नो सर, नहीं समझे? सर टेम्परेचर मतलब कि कांस्टेंट है सर, टेम्परेचर बढ़ाने से तो रिएक्शन में आएगा ना चेंज, तो रिएक्शन में नहीं आएगा, ये ओवरऑल हटगर्ड, मानो कोई चीज है घट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से ना ये ओवरऑल केसी वैल्यू ही चेंज हो जाती है, केसी वैल्यू ही चेंज हो जाती है। चाहे आप प्रेशर घटा लो बढ़ा लो, रिएक्शन आगे पीछे चला जाएगा, लेकिन ये केसी वैल्यू नहीं चेंज होता है। सर आप कैसे? बताओ, आप बताओ, आप डेल्टा जी का वैल्यू जानते हो क्या, 9.8 के आसपास होता है। यस सर, यस सर, आप इसको इंडिया में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, या फिर कहीं भी चले जाओ, क्या इसकी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी? नहीं नो सर, कैन समझेगी। नो मान लो, मान लो इंडिया में हो, तो इंडिया में मान लो ये प्रेशर है, और आप अमेरिका में हो तो मान लो ये कैटलिस्ट है, और मान लो रूस में हो तो क्या हो, मान लो ये प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, रिएक्टेंट हो गया। लेकिन जैसे ही ये गोला छोड़ोगे, यानी कि आप चांद पे जाओगे, चांद पे, तो क्या होगा, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो हो मान जाएगी लो सर। यस चांद, चांद हमारा क्या है, चांद हमारा टेम्परेचर है। अच्छा अभी समझ भी आ नहीं गया, समझे, आ गया सर, आ बताओ, गया सर, ये अभी भी नहीं समझे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे? समझ गया इस वाले एग्जाम्पल से समझ आया कि नहीं आया? ये मैं सच, कंफ्यूज हो गई सर इस एग्जाम्पल से। इस वाले एग्जाम्पल से कंफ्यूज हो गए? ये सर, ये जो इस आपका, के ऊपर एक कर दिया ना, इसमें थोड़ा वो हो गया। हाँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन ये चांद वाले में तो नहीं समझ आया, चांद वाले में तो समझ आ गया होगा ना? यस सर, बिल्कुल यार, बिल्कुल। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ यार।